विधानसभा हलका अजनाला तो पंजाब फ्रंट के ऐलाने उम्मीदवार गुरिंदर सिंह जौहल नगर पंचायत अजनाला के सबका प्रधान एडवोकेट मनजीत सिंह निजर वालों श्रोमणी अकाली दल बादल ते आम आदमी पार्टी किसान विंग के सूबा संयुक्त सकत्तर नवदीप सिंह विशुआ ने आम आदमी पार्टी को छड़ के हलका अजनाला तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट हरप्रताप सिंह अजनाला की अगुवाई में कांग्रेस का हथ फड़ लिया। आगामी विधानसभा चोणों के मद्देनज़र श्रोमणी अकाली दल मंगलवार को अपना चोण मनोरथ पत्र पेश करेगा। सूत्रों मुताबिक अकाली दल का चोण मनोरथ पत्र किसानों के गरीबों की समस्यावां खास तौर पर ध्यान रख के तैयार किया गया है। विधानसभा चोणों के मद्देनज़र पंजाब पुलिस वालों पूरी तरह चौकसी वरती जा रही है, जिस तहत नाभा विखे DSP जसकीरत सिंह की अगवाई में पुलिस के CRPF दी टुकड़ियों वालों शहरों के पिंडों के फ्लैग मार्च कढ़िया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चार लोगों को मिली मौत की सज़ा को बरकरार रखने की गृह विभाग की सलाह को दरकिनार करदिया उम्र कैद के बदल दिता है। इन चारों 1992 बिहार में 34 लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तमिलनाडु में जलीकट्टू के समर्थन में हो रहा प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। जलीकट्टू मामले का कोई स्थाई हल कढ़ने लई तमिलनाडु विधानसभा का विशेष इजलास अज शामी सद्या गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती के मौके प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि नेताजी महान बुद्धिजीवी सन ते उन्होंने हमेशा समाज के पछड़े वर्गों बारे सोचा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले दो दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो सकती है। कुछ दिन पहला सूबे में हुई बर्फबारी करके पंजाब दे विच भी ठंड ने जोर फड़ लिया। कनेडा सरकार में रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने गुरुद्वारा दशमेश कल्चर सेंटर कैलगरी विखे मत्था टेकिया। इस मौके संगतों को संबोधन करदिया उन्होंने कहा कि सानू अपने भाईचारे लिए नहीं बल्कि होरना भाईचारे नू लैके सारी दुनिया बारे सोचना चाहिए। यमन में विद्रोहियों ते सरकार समर्थक बलों विचाले ताज़ा हवाई हमलों ते झड़पों में 75 लोगों की मौत हो गई। इंडीपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन संभालने तो बाद अमरीकी ड्रोन हमले में इतने दक्षणी प्रांत में 2 अलकायदा अतवादियों को मार दिता गया। तालिबान ने अमरीका के नवे बने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान उत्ते अमरीकी नीतियां बदलन या इतिहासक शर्मनाक हार का सामना करने की चेतावनी दी है। इस बाबत जानकारी एक अमरीकी निगरान समूह ने अपनी रिपोर्ट में पेश की है।